नमस्कार, खेल खेल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम विनोद नागपाल है और ये है शिप्रा। नमस्कार। हम दोनों इस प्रोग्राम के उद्घोषक हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न को ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। लेकिन इस बदलते हुए युग में ढाई आखर से काम नहीं चलेगा। इस तेजी से बढ़ते हुए बदलते युग की रफ्तार के साथ अगर आप नहीं भाग पाएंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। कुछ इन्हीं विचारों पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम। तो आइए शुरू करते हैं खेल खेल में। शुरू करने से पहले आपको इससे परिचित करवा दें, इसके खिलाड़ी भी आप ही हैं और ये खेल भी आप ही का है। हर एक कड़ी में तीन टीमें होंगी, अक्षर, अंक, स्वर, और इन तीनों टीमों के खिलाड़ी आप ही में से बैठे हुए कुछ दर्शकगण होंगे। आप सबके नाम एक छोटी से मटके में है, उसमें से हम छह नाम निकालेंगे। उन छह नामों से तीन टीमें बनेगी जो हमारे साथ पांच राउंड खेलेंगे। अक्षर के पहले खिलाड़ी हैं मदन लाल, आइए बैठिए। के साथ खिलाड़ी हैं मीना, अंक में खिलाड़ी हैं गोली सिंह, अरे मीठी गोली के बंदूक की गोली, और इनके साथ हैं पूनम। स्वर टीम के खिलाड़ी हैं संतोष, और अवधेश पाठक। ये राउंड है पांच सवाल का। हर टीम के लिए इस लिफाफे में मेरे पास पांच प्रश्न हैं, और इन पांच प्रश्नों का अगर आप सही सही उत्तर देंगे तो हर एक सही उत्तर के आपको 10 अंक मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम अक्षर से। किस उम्र के बाद एक नागरिक चुनाव में मतदान कर सकता है? 18 साल में। बिल्कुल सही बताया आपने, तालियां। हाल में कुछ आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण किया था, उस विमान ने किस देश से उड़ान भरी थी? नहीं, बॉम्बे। गलत गलत गलत। सिख धर्म की शुरुआत किस गुरु ने की थी? गुरु तेग बहादुर। गलत। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? सर्दियों में। गलत। अब आप जरा पर्दे की ओर देखिए। भारत के इस भूतपूर्व राष्ट्रपति का नाम बताएं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नहीं, आपको भी नहीं मालूम। चलिए अब ये सारे सवाल मैं आपसे पूछता हूं, और जो सही जवाब देगा उसको एक छोटा सा इनाम भी मिलेगा। पहले तो ये बताइए कि ये कौन से राष्ट्रपति हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति, आप बता सकती हैं? सही मालूम है आपको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसी दुखद। संजीव रेड्डी। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया आपने। आपका नाम? मीना। मीना, हाँ। ये लीजिए कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जी, बारिश होते ही लगते ही। बारिश होते ही लगते ही, मतलब जून के आसपास। जून। बिल्कुल सही बताया आपने। आपका शुभ नाम? राम सिंह। राम सिंह के लिए एक नाम दीजिए। राम सिंह जी को एक नाम दीजिए। अच्छा, ये तो आपको मालूम होगा कि सिख धर्म की शुरुआत किस गुरु ने की थी? गुरु नानक ने। और आपका नाम? कमला। कमला, कमला जी के लिए तालियां।
और एक इनाम। और अब हम सवाल करते हैं दूसरी टीम अंक से। सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह घूमते हैं? 9। बिल्कुल सही बताया आपने, तालियां। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान किस प्रदेश में है? राजस्थान। बिल्कुल सही बताया आपने। सिखों के आखिरी गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। बिल्कुल सही। फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 28-29। बिल्कुल सही बताया। चलिए अब एक पर्दे पर एक चित्र देखिए। भारत के इस भूतपूर्व राष्ट्रपति का नाम बताएं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। फखरुद्दीन अली अहमद खान। नहीं नहीं नहीं, चलिए रहने दीजिए। ये हैं जाकिर हुसैन। अब बारी है स्वर की। आम चुनाव लड़ने के लिए किसी नागरिक की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। गलत। चुनाव लड़ने के लिए। संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? एक पहाड़ की बात कर रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ठीक बताया इन्होंने, ताली बजाइए। जैन धर्म की शुरुआत किसने की थी? महावीर। बिल्कुल सही बताया, भगवान महावीर ने। रबी की फसल कब बोई जाती है? सर्दियों में कहाँ बोई जाएगी आंटी। अच्छा, अब आप पर्दे पे देखिए एक तस्वीर। भारत के इस भूतपूर्व राष्ट्रपति का नाम बताएं। डॉक्टर राधा कृष्णन। बिल्कुल सीख बताया आपने, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इस राउंड के अंत में अक्षर को मिलते हैं 10, अंक को मिलते हैं 40 और स्वर को मिलते हैं 30। चलिए अब हम चलते हैं अगले राउंड पर। यह है मौज मस्ती का राउंड, गाने बजाने का, और इसका नाम है गाने अनजाने। हम आपको हिंदी फिल्म का एक गीत सुनाएंगे और उसका छोटा सा हिस्सा पर्दे पर भी दिखाएंगे, और उसके बाद आपसे 3 सवाल पूछेंगे। 1, ये किस हीरो या हीरोइन के चेहरे पर दर्शाया गया है, पहला सवाल। 2, उसी हीरो या हीरोइन का किसी और फिल्म का एक गीत आपको सुनाना है। उस गीत में से मैं एक शब्द चुनूंगा, उस पर आपको एक वाक्य बनाना है, और अगर आपके 3 उत्तर ठीक हुए तो आपको 15 अंक मिले। चलिए शुरू करते हैं अक्षर से। आप देखिए पहला। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना। इसमें बहुत सारे हीरो हैं। सनी देओल। हाँ बिल्कुल। जैकी श्रॉफ। हाँ बिल्कुल देखा। हाँ राखी, तब्बू, पूजा भट्ट। अरे वाह 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 वाह, आपने तो पूरा पूरा के पूरी फ्रिस्ट दे दी मुझे। चलिए ये तो बिल्कुल आपको पूरे अंक मिले। इसके बाद को गाना सुनाइए। इसका किसका सुना रही है? सनी देओल का। कौन सा गाना? यारा ओ यारा मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाएगा, तुमसे भी छड़े कर अब दूर रह कर ये दिल ना रह पाएगा। चलिए दिल पे एक वाक्य बना दीजिए। हर इंसान के पास दिल होना चाहिए। बिल्कुल, हर इंसान के पास दिल होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कह गई आप, और इससे आपके 15 अंक पूरे हो गए। अब बारी है आपकी। आप देखिए। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या।
कौन था? नहीं पता लगा? चलिए अगर मैं बता दूं तो आप इन्हीं के चेहरे पर दर्शाया हुआ एक कहीं और दूसरा गीत गा देंगे आप? चलिए, इनका नाम था प्राण, और ये फिल्म थी उपकार, आपने शायद देखा भी होगा। चलिए अब प्राण के चेहरे पर किसी और फिल्म में दर्शाया हुआ गीत, उसका गीत आप गा दीजिए। ये तो आपको याद हो। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। बिल यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। ईमान पर एक वाक्य बना दीजिए। हर एक आदमी के पास ईमान होता है। बिल्कुल सही बताया आपने। 10 नंबर। अब बारी आई स्वर की, देखिए। बॉबी देओल और सनी देओल। बॉबी देओल, सनी देओल, आपने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल ठीक। अब एक उनका गाना भी सुना दीजिए किसी और फिल्म। रह गए? अच्छा चलिए, अगर हम दर्शक आपको वो गाना सुना दें तो आप एक वाक्य बना देंगे? बना देंगे जी हाँ। चलिए, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, फिर भी जहां होंगे वहां फरियाद करेंगे, तुम याद करेंगे। फरियाद पर एक वाक्य बना दीजिए। चलिए, हर आदमी की एक फरियाद होती है। फरियाद और होती तो है, ये तो आपने सही कहा। हाँ जी, आप बता दें। चलिए, आपने फरियाद किया तो हमने गाना गा दिया। इंसान भगवान से फरियाद करता है। इस राउंड में अक्षर को मिले हैं 15, अंक को मिले हैं 10 और स्वर को भी मिले हैं 10, और हमारा टोटल स्कोर है अक्षर 25, अंक 50 और स्वर 40। ताली 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 ताली, जोर से, जोर से ताली। अब हम चलते हैं अगले राउंड पर। यह है जोड़ तोड़ का राउंड। इसमें हम आपको दो पहेलियां देंगे जिसमें कुछ पशु और पक्षियों की तस्वीरें हैं जिनको हमने तोड़ दिया है, उनके टुकड़े कर दिए। आपको जोड़कर तस्वीर पूरी करनी है। आपकी सहूलियत के लिए वही तस्वीर आपको पर्दे पर भी नजर आएगी। तो शुरू करते हैं, और ये दो हैं पहेलियां। हर एक ठीक पहेली बनाने के लिए, मतलब उसको जोड़ के पूरा तस्वीर को पूरा करने के लिए आपको मिलेंगे 10 अंक। ठीक है, शुरू करते हैं अक्षर से। आइए, वहां उस तरफ डाली। हाँ हाँ, चलिए मैं टाइम आपका शुरू कर रहा हूं अब, और इसके सारे काम के लिए आपको सिर्फ 1.5 मिनट मिलेंगे। शुरू। बस, आपके 2 टुकड़े रह गए, ये 1 तस्वीर पूरी हो गई। ठीक है साहब, आइए।
अब बारी है अंक की, आप आइए। याद रखिए, इन दोनों तस्वीरों को पूरा करने का निर्धारित समय है सिर्फ 1.5 मिनट, और मैं ये आपका टाइम शुरू हो गया अब। चलिए, आपके पास तीन दो एक और ये खत्म। बस, 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 बस अंक ने भी एक तस्वीर पूरी कर ली, इसलिए उनको 10 अंक मिलते हैं। अब बारी है स्वर की, आइए। जी अब आप, टाइम हो गया शुरू आपका। गेंडा है, गेंडा। खत्म। इस राउंड के अंत में अक्षर को मिलते हैं 10, अंक को मिलते हैं 10 और स्वर को मिलते हैं 0। और अब तक का टोटल स्कोर कितना है? हमारा अब तक का टोटल स्कोर है अक्षर 35, अंक 60 और स्वर 40। अब चलते हैं हम चौथे राउंड। चौथा राउंड में हम आपको रोजमर्रा की जिंदगी का एक वाक्या देंगे, उससे परख की जाएगी आपके लेन देन की, आपको कुछ जोड़ना है कुछ घटाना है और फिर उसका जवाब देना है। इस मिट्टी के बर्तन में 20 नींबू हैं, ठीक है ना? वैसे तो मैं शिकंजवी सबकी बना के पी जाऊं, तबीयत इतनी ऐसी कर रही है। आपको मिलते हैं पहले 4, आपको भी मिलते हैं 4 और आपको मिलते हैं 4 और 2 6 जिसमें नहीं 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 बहुत ज़्यादा हो गए, मैं 3 वापस ले रहा हूँ। और आपको आपको 2 दिए और 1 वापस ले लिया, और फिर आपको 4 है
आपको तो बहुत सारे देने चाहिए, 3 मैंने आपको और दे दिए और इसमें से 2 ले लिए। अब ये बताइए कि मेरे पास इसमें कितने नींबू बचे हैं? हाँ आपको बताना है, आप ही को बताना। 7। आपने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही उत्तर दिया, आपको मिलेंगे 10 अंक। ताली इनके लिए बड़े जोर से। अब जवाब देने की बारी है अंक की। मेरे पास इसमें कंचे हैं, कितने हैं ये कंचे? 40। गोलिये, गोली भी कह सकते हैं, गोली सिंह को गोली देंगे। 3 और 3 6 मैंने आपको दिए। देखिए आपका सवाल है, 6 दिए और आपको दे रहा हूं मैं 4 और 4 8। और आपको दे रहा हूं मैं 4 और 3 7। ठीक है, अब आपको मैं 2 और दे रहा हूं और दे देता हूं, चलिए, और आपको 4 और दे रहा हूं और फिर नहीं नहीं बहुत ज्यादा हो गए आपके पास, मैं इसमें से 5 वापस ले रहा हूं और आप में से 2 वापस लेके, नहीं नहीं आप कम हो गए, 2 वापस लेके 3 आपको वापस दे रहा हूं। अब आप ये बताइए कि मेरे पास इसमें कितने कंचे हैं? 32। मेरे पास 32 बचे? 13। 17 है मेरे पास कंचे, 17 कंचे हैं मेरे पास। आपने गलत जवाब दिया। और अब बारी है स्वर टीम की। आपके लिए मेरे पास हैं 15 मोमबत्ती, बहुत आसान, ठीक है। अब मैंने अक्षर को दी, ये कितनी हैं? 3 और 2 5, चलिए 5 आपको मिली, 4 अच्छा और आपको मिली 4, ठीक है। और अब मैं एक, ये कितनी? 5 बहुत ज्यादा है आपके पास, मैं 2 आपसे ले ली और नहीं 1 वापस दे देता हूं। और आपसे कितनी है? 4 है आपके पास, चलिए मैं 2 आपको और दिए देता, और आपको भी मैं 1 दे देता हूं। अब मुझे ये बताइए कि मेरे पास इसमें कितनी बची? खाली। सही बताया। 10 आ गए लड़की। इस राउंड के बाद अक्षर को मिलते हैं 10, अंक को मिलते हैं 0 और स्वर को मिलते हैं 10। हमारा अभी तक का स्कोर है अक्षर 45, अंक 60 और स्वर 50। अगला राउंड करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है जल्दी जल्दी। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, अगर आपको सही उसका उत्तर मालूम है तो आप घंटी बजा दीजिए ऊपर लगी। आपको 10 अंक मिलेंगे सिर्फ सही उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए 5 अंक कट जाएंगे। ये सिर्फ ये बताना है कि सही है या गलत जो मैं पूछ रहा हूं। ममता बनर्जी केंद्र में रेल मंत्री हैं? है। सही। दिल्ली भारत का सर्वाधिक धनी आबादी वाला शहर है? ठीक ना, गलत। गलत है, सॉरी गलत। सॉरी गलत नहीं। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है? नहीं नहीं, गलत। सिंचाई के साधन बताएं, किसने किया? अंक की बारी है। पंपिंग सेट, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, सही है। राष्ट्रीय फूल का नाम बताएं। कमल। कमल, बिल्कुल सही बताया आपने। भारत ने अपना परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? परमाणु विस्फोट पहली बार यार चीन में। हाँ जी, कहाँ? दिमाग में था। नहीं, चीन में नहीं। 5 नंबर कट गया आपके।
पोखरण राजस्थान। पोखरण राजस्थान, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। पर्दे पर देखिए, एक भारत के इस पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताएं जी। प्रधानमंत्री, ये पांच नंबर आपके और कट गए भैया, आपने तो और उनका नाम करवा दिया। किसी दो व्यवसायिक फसलों के नाम बताएं। चाय तंबाकू। चाय तंबाकू, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही। हमारे आखिरी राउंड का स्कोर है अक्षर 15, अंक 10, स्वर 0 और कुल मिलाकर स्कोर हुआ है स्वर 50, अक्षर 55 और हमारे आज के विजेता हैं अंक 75 अंक। आज के विजेता हैं गोली सिंह जी, जो गोली के माफिक आगे निकल गए। आज की हमारी खेल खेल की कड़ी यहीं समाप्त होती है। अगली कड़ी में फिर आपके सामने हाजिर होंगे बहुत सी नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा।